तो दोस्तों अभी यहाँ पे जलेबी बनाना स्टार्ट हो गया है और गोल गोल जलेबियाँ बन रही है, खाने में तो नहीं पता करा रही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आपकी दोस्त नीलम मिश्ट, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 12 और अभी तो अभी ऊपर दादा लोग बना रहे हैं जलेबी, तो मैं अभी आपको ऊपर लेके चलती हूँ और देखते हैं अभी उन्होंने क्या क्या बनाया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बन रहे हैं नमक पारे। तो ये भाभी ने आधे किलो नमक पारे ले लिए हैं, 60 रुपए किलो। अरे इधर गरम गरम क्या अंधारी। ये हमारे मेरा भाई कलाकार जी है, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं। ये जो है यहाँ पर बहुत अच्छे कारीगर है। कितने रुपए खर्च हो रही है अभी? अब तक होगी 2500। अच्छा 2500 रुपए। तो इधर बैठ यार। और चाचा जी है, चल तू बैठ। और ये मौसी जी हमारे, वो हमारे गुरु है, भाई हमारा, चाचा है, चाचा ये हमारे सबसे गुजरे का आदमी, देखो हमारे सामने सहयोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बिक्र कल कर रहा है अभी यूं बटे की। यूं बटे अभी नमक पारे बिके हैं सब मिल है। यार नाम दे दे ला 2 किलो जले में 2 किलो नमक। हां हां खाना कैल जीते ना। ये देखो इधर भी घुमाओ, ये हमारा भैण भाई से राम भाई आ रखे हैं जले में के लिए। घोड़े आ गए बोल अपने गांव में, और आज कम से कम 3 किलो जले भी ले जा रहे हैं पूरा। तो दोस्तों अभी ऊपर बन रहे हैं नमक पारे, तो अभी मैं चलती हूँ अब नीचे मौसी और के घर में। मौसी ने बुलाया है वहाँ, वो गुजिया बनाएंगे, तो मौसी ने बोला कि गुजिया बनाने आ जाना। दोस्तों अभी मैं मौसी और के घर पे पहुंच गई हूँ और मौसी यहाँ पे पेंट कर रहे हैं और इन दोनों को भी बहस हो रही है कि ये खराब कर दिया वो खराब कर दिया। सुमित, तो दोस्तों अभी मौसी के घर पहुंचने के बाद मौसी ने मेरे को फिर से ऊपर भेज दिया जलेबी के लिए। कुछ बोल, हैप्पी होली बोल दे हमारे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जलेबी बनाना स्टार्ट हो गया है और गोल गोल जलेबियाँ बन रही है, खाने में तो नहीं पता करा रही कैसी बनी है। वो तो जब खाएंगे तब पता चलेगा। तुम्हें कहता लेनी दादा, ये तो 10 किलो ले रहे हैं ना बोले। तुम्हल बुबा ले ली ले रहे। अच्छा दोस्तों अभी मौसी के घर पे आने के बाद फिर ऊपर जाना पड़ा और वहाँ से जलेबी लाई इनके लिए और एक और है उनके लिए, तो 1 kg जलेबी लेके आए हैं। जलेबी बड़े हो रखे अभी गरम गरम, और इस साइड बन रहा है अभी गुजिया के लिए सूजी भुनेंगे, तो अभी गैस ऑन कर दिया है, मौसी घी भी देगी। तो दोस्तों अभी सूजी भी भूनने के लिए रखी है और यहाँ पे मौसी अभी मैदा भूनेंगे, तो अभी मौसी का गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन में हमने बहुत ज्यादा गोलगप्पे खाए थे, तो मौसी कह रही है कि एक दिन इमली मंगानी पड़ेगी। तो मौसी ने मैदे में अभी रिफाइंड ऑयल डाल रखा है, तो मौसी इसे पहले मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों अभी सूजी भूनते भूनते 1 घंटा हो गया है, तो 1 घंटे में सूजी भूनना पूरा हुआ है, तो अभी मौसी ने मैदा भून लिया है, तो अभी हम सूजी को ठंडा होने देते हैं और तब तक उसके गोले बनाते हैं मैदे के और उसे भूनते हैं, और उसके बाद जब उसका मसाला बन जाएगा पूरा तो फिर हम उसे भरना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी सूजी को रखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो सूजी ठंडी हो गई है, तो अभी हमने इसमें नारियल मिक्स कर रहे हैं और इसमें हमने सौंफ डाली है, और बाकी अभी हमने ये चीनी मिक्सी में पीस रखी है क्योंकि बुरा तो था नहीं। तो दोस्तों अभी सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
दोस्तों अभी मैं यहाँ पे ये भरने का काम कर रही हूँ और मौसी कर रही है बेलने का काम, और ऊपर एक कढ़ाई में गुजिया तलने के लिए रखी है और एक में चीनी की चाशनी बना रही है। गुजिया बन गई है और ये बन रही है की चाशनी। तो दोस्तों जो ये वाली गुजिया है ये चाशनी वाली गुजिया है। दोस्तों भी गुजिया बन गई है और आप देख सकते हैं। हैप्पी होली, आओ गुजिया खाने के लिए, दिल्ली वाले, घर वाले, गांव वाले, सब लोग। दोस्तों भी गुजिया बन गई है और अभी टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो ये देखिए हमने सारी गुजिया बना ली है और थोड़ी लास्ट बची है जो वो अभी कढ़ाई में तलने के लिए रखी है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, चलो मौसी अभी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने हैं। तो जो चाशनी वाले बना रखे हैं मौसी वो वाले खा रहे हैं। चलो फिर चलते हैं मैं बोलती हूँ। ये मौसी ने मेरे को दे रखे हैं। तो दोस्तों अभी जलेबी तो बन गई है और जो बाकी काम है लास्ट में बर्तन धोने का, तो यहाँ पे भी बर्तन धो रहे हैं। अरे बहुत कम चीज। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और मैं अभी जा रही हूँ कहीं काम से। तो आज की ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली।